जम्मू संगवारी मल्ला राम राम। तो मैं आप सब ला कुछ बोलना चाहता कि मैं एक वीडियो बना रहे हैं कि हरेली तिहार कब है कि के, तो मैं बहुत जन के कमेंट्स आगे रिसे कि मोला पहले चेक कर लेना चाहिए, उनमें कुछ नहीं आया ये तरीके से। तो मैं बता दें कि मैं सब चीज़ ला देख के बना रहे हैं, लेकिन मुझ से एक मिस्टेक हो गई इसे कि मैं 4 अगस्त के जगह 16 जुलाई बोल डाल रहे हैं, और 16 जुलाई के भी त्यौहार है, वो दिन हरेला करके एक त्यौहार मनाया जाते हैं, एकर से मैं हरेली लिख डाल रहे हैं, जो मिस्टेक हो गई उगर मैं बोला माफ़ करूँ, पर ऐसे कोई बात नहीं है कि बोला नहीं है, मैं हर चीज़ देख के बना था, मैं भी एक इंसान है तो मुझ से गलती हो जाए तो आप मन माफ़ करा। हरेली बाइक मैं प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो में हम देखो कि भोजली त्यौहार कब है, इला का चीज़ में मनाई जाते हैं, एकर पीछे का वजह है, किस तरह से इला मनाए जाते हैं। तो वीडियो ला आप आखिरी तक जरूर देखा, और मोर चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करके अपन दोस्त यार महिला शेयर करके मोला जरूर सपोर्ट करता। तो सबसे पहले भोजली त्यौहार कब मनाया जाते हैं, भोजली त्यौहार सावन के दिन में मनाया जाते हैं, सावन के जस्ट जब सावन खत्म होते हैं और जस्ट अगले दिन सावन खत्म होते हैं रक्षाबंधन के दिन, और रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली के त्यौहार मनाए जाते हैं। ये त्यौहार मित्रता के प्रतीक है, दो दोस्त ला मिलाए के प्रतीक है, जैसे गिया महाप्रसाद होते ना तो इसने भोजली भी होते, भोजली भी दोस्ती के प्रतीक है, और इला किसान मन भी मनाते अपन अच्छा फसल व, जैसे हरेली मनाते ना उसने भोजली ला भी अच्छा फसल व मनाए जाते। तो एक और जानकारी मैं पूरा आगे आप मन ला बता था, वीडियो में आखिरी तक बने रहा। जैसे कि मैं आप मतलब बताए हाँ कि भोजली तिहार अच्छा फसल पर मनाया जाते हैं, और ये एक दूसरे के मित्रता के प्रतीक होते, भोजली तिहार से एक दूसरे के दोस्ती अच्छा होते, और एक दोस्त दूसर दोस्त ला भोजली देते। अब ये भोजली का होते इला मैं आप मतलब आगे बताऊँ। अब देखो भोजली त्यौहार कैसे मनाए जाते, भोजली त्यौहार सावन के नाग पंचमी के दिन सुबह गेहूं ला भिगो के शाम के टाइम में बांस के एक ठन टुकनी में उमा मिट्टी और खाद डालते, ओकर बाद जो गेहूं रहते ओला डाल के उमा बोए जाते, और रक्षाबंधन के दिन तक ये जो गेहूं रहते यह थोड़ा बड़े बड़े हो जाते। 5 दिन बाद भोजली बाहर निकाल के रक्षाबंधन के अगले दिन एला नदी तालाब में विसर्जन किए जाते, और एकर पहले पूरा गांव गली गली में पूरा भोजली दिखाए जाते। अब देखो भोजली त्यौहार कब मनाया जाते, भोजली त्यौहार हर साल सावन महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन सुबह गेहूं ला भिगोए जाते, और रक्षाबंधन के अगले दिन तक एला विसर्जन कर दिए जाते। यानी कि भोजली हर साल भादो के प्रतिपदा तिथि के दिन, मतलब भादो जब शुरू होते पहली ही दिन भादो जे दिन लगते वही दिन ये त्यौहार ला छत्तीसगढ़ में मनाए जाते। ये त्यौहार छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, इला किसान मन द्वारा मनाए जाते। देखो कि साल 2024 में भोजली त्यौहार कब है, ये साल भोजली 20 अगस्त दिन सोमवार के दिन मनाए जाही, और ये दिन भादो लगी, भादो के पहली तिथि जिला प्रतिपदा बोले जाते, ये दिन हवे ये दिन भोजली ठंडा किए जाही। ये जितना भी त्यौहार है भोजली हरेली छेरछेरा ये सब छत्तीसगढ़ में ही मनाए जाते। मैं एक अब बता था काबा मोर वीडियो ला आने राज्य के मन भी देखा थी तो उमन ला मालूम नहीं हुई, अब ये मैं आप मन कमेंट मत करा कि हम अल्लाह पहली से पता है करके। भोजली तिहार का आप मन कति भी मनाए जाते मोला कमेंट्स करके जरूर बतावा, और कौन कौन किसान हो जो मोर वीडियो ला देखता हो एला भी मोला कमेंट्स करके बतावा, कहाँ से देखता एला भी बतावा, काबा मोला मालूम चले कि आप मन कहाँ से मोर वीडियो ला देखता। धन्यवाद, राम राम।